आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस और दीपावली वाले दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें खरीदकर अपने घर जरूर लाना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा कौन सा फल है जिसके बिना धनतेरस की पूजा रहती है अधूरी। और यह जो फल का वृक्ष है उस पर साक्षात माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास रहता है, जिससे हमारी बरसों की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाती है। और साथ ही हम जानेंगे ऐसी गुप्त चीज के बारे में जो कि है सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, जिसको धनतेरस और दीपावली पर माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से हमारी धन दौलत में होती है 13 गुना बढ़ोतरी। तो सबसे पहली वस्तु है झाड़ू, और झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी जो है वो व्यक्ति की गरीबी को मिटाती है। गरीबी भी एक प्रकार का कचरा होती है, उसी प्रकार जैसे झाड़ू घर के कचरे को साफ करने में काम आती है, ठीक उसी प्रकार माँ लक्ष्मी भी व्यक्ति की गरीबी जैसे रोग को मिटाती है एवं उसके घर से दरिद्रता को भी मिटाती है। तो इसीलिए झाड़ू को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। हम लोगों को धनतेरस के दिन इसीलिए झाड़ू खरीदकर अपने घर में लानी चाहिए। दूसरी वस्तु जो हम धनतेरस पर खरीदकर लाते हैं वो है चांदी और सोने के सिक्के। चांदी को रज कहा जाता है और शीतला धातु भी कहा जाता है। चांदी की धातु माता पार्वती से उत्पन्न हुई है और सोने की धातु माता लक्ष्मी से उत्पन्न हुई है। चांदी को शक्ति माना जाता है और सोने को आभा माना जाता है। तो जिस स्थान पर माँ लक्ष्मी और पार्वती दोनों एक साथ एक स्थान पर वास करती हों, तो उस स्थान पर कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आती है। इसीलिए दोस्तों धनतेरस और दीपावली जैसे पर्व पर हम लोगों को चांदी या फिर सोने के सिक्के खरीदकर जरूर लानी चाहिए। तीसरी वस्तु है जड़ी बूटी। दीपावली या फिर धनतेरस के दिन हमें जड़ी बूटी जरूर खरीद कर लानी चाहिए। अगर आप धनतेरस या दीपावली के दिन जड़ी बूटी खरीद कर लाते हैं तो इससे धनवंतरी भगवान प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। दोस्तों अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं और आप कितने भी रुपए पैसे के मालिक हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपका वो धन केवल धूल मात्र है। इसलिए धनतेरस के दिन जड़ी बूटी खरीद कर हमें जरूर लानी चाहिए। ये जड़ी बूटी आपके घर परिवार में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखती है और भगवान धनवंतरी जिस घर से प्रसन्न होते हैं उस घर में कभी भी बीमारी नहीं आती है। तो इसीलिए हम लोगों को धनतेरस के दिन कोई भी एक जड़ी बूटी खरीद कर जरूर लानी चाहिए। अब आइए जानते हैं उस फल के बारे में। ऐसा कौन सा फल है जिसके बिना दीपावली धनतेरस दोनों ही पर्व अधूरे माने जाते हैं, इसके बिना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। आप यकीन मानिए आप कुछ भी खरीदने में असमर्थ हैं तो मत लाएं, लेकिन इस फल को आप अपने घर में दीपावली या धनतेरस के दिन जरूर लाएं। आपकी गरीबी मिट जाएगी, आपको घर के आसपास या फिर खेत खलियान में बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। ये फल कोई साधारण फल नहीं है, इस फल पर साक्षात माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। साथ ही इसकी पौराणिक कथा भी जानेंगे। दोस्तों ये फल है गुलर का फल। गुलर का फल कोई साधारण फल नहीं है और दोस्तों ये बात कोई हवा हवाई नहीं है बल्कि शास्त्रों में प्रमाणित है। इसकी पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध करके जा रहे थे तब उनके हाथों में अचानक खुजली होने लगी। तो भगवान नरसिंह ने खुजली को मिटाने के लिए अपने आसपास देखा तो अपने नजदीक गुलर का वृक्ष नजर पाया और गुलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को गड़ा दिया। नाखून गड़ाते ही भगवान की खुजली मिट जाती है, लेकिन वृक्ष को बहुत ही दर्द हुआ। तब भगवान नरसिंह ने गुलर के वृक्ष को वरदान दिया कि हे वृक्ष, आज से मैं और लक्ष्मी सदा सदा के लिए आपके वृक्ष पर विराजमान रहेंगे और अगर कोई भी भक्त धनतेरस या दीपावली के दिन आपके फल को अपने घर में ले जाकर स्थापित करेगा तो उसकी गरीबी हम क्षण भर में समाप्त कर देंगे। साथ ही यह भी वरदान दिया कि आप दूसरों के दुख मिटाने में समर्थवान रहेंगे। इसलिए वृक्ष राज अगर आपके फल को कोई भी खाएगा धनतेरस के दिन या फिर किसी शुभ मुहूर्त में उसकी गरीबी मिट जाएगी। साथ ही गुलर को यह भी वरदान मिला, आपके फल को खाने से लोग हमेशा जवान रहेंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उनकी आयु लंबी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों गुलर का फल हम लोगों को धनतेरस या दीपावली के दिन अपने घर में जरूर लाना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें।